गाइस, मैं हूँ फेयर और मैं हूँ हैंडसम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फेयर एंड हैंडसम। तो देखते रहिए, हम आपका एंटरटेनमेंट जारी रखेंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियोस को लाइक कर दो। गाइज, ये मेरे विंडो से जो आपको व्यूज़ दिखता था ना, देखो पूरा समंदर बन गया है और बारिश तो हो रही है भाई धमाधम। आज तो यहाँ पे हाई अलर्ट। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर करना, बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना, नहीं तो आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। सो गाइस, देख सकते हो आप, पूरे ट्रैक पे पानी भर गया है और यहाँ पे मशीन के जरिए पानी को निकाला जा रहा है। पूरे ट्रैक पे पानी भर गया है, वो लास्ट वाला ट्रैक तो दिखाई भी नहीं दे रहा है और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सब पानी पानी हो गया, रोड वगैरह सब कुछ भी नहीं दिखा रही। JCB जा रहा है, बड़ी गाड़ियां जा रही हैं, छोटी गाड़ियां सब बंद हैं। तो भाई बारिश झमाझम हो रही है। इस बार भगवान जी ज़्यादा खुश हैं। ये वसंत नगरी तो भाई दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा एक ही हो गया और बारिश बारिश बारिश, समंदर मेरे घर के पास है। सो गाइस, मेरी तबीयत खराब है तो बारिश का मजा ऐसे ही ले रहा हूँ, क्या करूँ। बारिश का मजा ले रहे हैं और बोल रहे हैं चलो भीगने जाएंगे। हाँ, मजा आएगा, ब्लॉग्स व्लॉग बनाने जाएंगे। लोग बेचारे बारिश से बेहाल है और इनको ब्लॉग की पड़ी है। गाइस, यहाँ पे पूरे सामने झील बन गई है, पूरी लेक बन गई है, आप आके स्विमिंग कर सकते हो फ्री में। पैसे हम नहीं लेंगे आपसे। केजरीवाल क्या बोल रहे हैं, दिल्ली में लेक बनाने वाला था, कितना 100 लेक ना कुछ, वो दिल्ली दिल्ली के साथ साथ यहाँ पे भी बना दी उसने, क्या लग रहा है सामने का। तो गाइस, आज हम दिखाते हैं आपको अपने वसई भोदापाड़ा का बारिश। तो आप देख लो, ये देखो कितना पानी भरा हुआ है, ये देखो ये पूरा मंदिर डूब चुका है। मैं छाता हटा के दिखाते हैं आपको, थोड़ा टाएगा तब दिखेगा सामने का। ओ देखो, तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ कहाँ कहाँ पानी भरा हुआ है, कितना पानी भरा हुआ है, उसका ब्लॉग शूट करने के लिए आपको दिखाएंगे। बहुत बारिश हो रही है, 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश चालू है। चलिए चलते हैं। सो गाइस, फाइनली निकल चुके और आपको पहली जगह दिखा देता हूँ जहाँ पे पानी भरा है। गाइज, ये वो जगह जो हमारी पुरानी बिल्डिंग का जगह, देख लो यहाँ पे पूरा दूर दूर तक पानी भरा हुआ है। तो ये एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग हो गई, पापा बस एक्सीलेटर मत छोड़ना। देख लो भाई पानी, देख लो ये, देखो कहाँ कहाँ तक पानी भरा हुआ है, देखो बस एक्सीलेटर नहीं छोड़ना है हम लोग को। चलो अभी दूसरी जगह दिखाते। सो गाइज, अभी ये दूसरी जगह जहाँ पे देख लो पानी भरा हुआ है, ये अभी हम लोग जा रहे हैं सन सिटी के साइड पे। दो रास्ते, एक मेन रास्ता है और एक ये वाला रास्ता है। बारिश दबा के इधर पे तभी पानी भरा है, इधर ज्यादा पानी भरा ही नहीं है, सब जगह निकाला जा रहा है। और भाई ऐसा कहना है कि 3 दिन तक ये लाइट नहीं आएगी। भाई ये तो खतरनाक है, मोबाइल मोबाइल कुछ चार्ज ही नहीं है हमारा।
ये तीसरी जगह हो गई जहाँ पानी भरा हुआ है, और लो चौथी जगह भी वापस ही आ गई। कितना पानी भरा है, बाप रे। वो देखो उधर भी पानी भरा है, अभी इधर जिधर जा रहे उधर भी भरा हुआ है। सो भाई ये आ गई चौथी जगह, नहीं सॉरी पांचवी जगह है ये जहाँ पे पानी भरा है ना बब्बा। इधर थोड़ा कम है, इधर थोड़ा कम है भाई, देख यहाँ पे तो भरा हुआ है दबा के पानी। चलिए गाड़ी निकल जाएगी, बट एक्सीलेटर मत छोड़ना। तो भाई ये बिल्डिंग की हालत देखो, पूरा पानी भर गया है ये बिल्डिंग में। ये देखो कहाँ कहाँ तक पानी भरा है भाई, गजब पानी भरा है, गजब देखो। तो देखो पूरा डूब गया है गली मोहल्ला। चलो अभी चलते हैं, हंसते रहते हैं, पानी भर गया तो भी हंसी रहे। ओ भाई गटर देखो भाई, ये वही जगह जहाँ पे हमारी तीन बार गाड़ी 3 साल पहले बंद हुई थी एक ही जगह पे। तो अभी यहाँ पे भी एक्सीलेटर नहीं छोड़ना हम लोग को। देखो भाई गटर, गटर का लेवल देखो कितना आ गया। एक बार पापा गाड़ी को ना हीट दे दो थोड़ा ऐसा भूम 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 करके, तो पानी अगर गह रहेगा नहीं, देखो हमारा साइलेंसर तो पानी गह रहेगा ना तो निकल जाएगा। हाँ फुल लेट्स गो भाई। ये तो है, ये छोटा सन सिटी है, बड़ा सन सिटी तो अभी वो तो भाई पूरा डूब गया है। ये जो ब्रिज ब्रिज बनाया ना इन लोगों ने, कुछ काम का नहीं है बना के भी। पानी देख लो दोनों तरफ बारिश हो जाएगी, वही तो ब्रिज भी क्या करेगा बताओ भाई। आप देखो बस पानी देखो कहाँ कहाँ तक भरा हुआ है, ट्रक व्रक धोने के काम आ गए ये पानी। और हमारी गाड़ी का जवाब भी नहीं, सवाल भी नहीं। ओ पूरा पूरा चट्टी गिल्ला हो गया। पापा एक्सीलेटर मत छोड़ना। ओ बाप रे भाई देखो पूरा ऑटो डूब गया है भाई, बंद पड़ेगा नहीं पापा गाड़ी बंद नहीं होगी, आप बस एक्सीलेटर देते रहो देते रहो देते रहो एक्सीलेटर देते रहो, बंद नहीं पड़ेगी गाड़ी। हमारी बिल्लो रानी बड़ी चयानी, ये देखो भाई पूरी स्कॉर्पियो डूब गई है, पूरी रिक्शा डूब गई है, हमारी गाड़ी चल रही है क्योंकि हमें हमारी गाड़ी पे भरोसा है। ये देखो कितना पानी भर गया भाई, भाई कसम से भाई साहब देखो भाई हमारी गाड़ी 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 होती है भाई, बंद नहीं पड़ेगी हमारी गाड़ी, बिकॉज हमारी गाड़ी एकदम सॉलिड है। सो भाई जैसे बोला गाड़ी सॉलिड है, ये देखो साइलेंसर, ये देखो भाई फोर व्हीलर लेके आ रहा है उसका क्या हाल होगा। अरे भाई वो तो फोर व्हीलर वाले ने गाड़ी मोड़ ली। बस थोड़ा आगे तक हम लोग को गाड़ी को धक्का देना है, फिर साइलेंसर से पानी निकल जाएगा। और मेरा चड्डा गिल्ला हो गया, ये देखो अंकल की हाइट देख लो, अंदाजा लगा लो कितना पानी भरा होगा। चलो अभी धक्का मारते मारते जाते गाड़ी को, बोला था गाड़ी सुपर में इतना तो नहीं डूबी। चलो अच्छा है बीच में बंद नहीं पड़ी, थोड़ा नजदीक ही बंद पड़ी है किनारे के, ये अच्छी बात है ना पापा। और पापा भी धक्का मार रहे गाड़ी को। सो भाई देख लो कहाँ कहाँ तक पानी भरा है, अब जाके गाड़ी का साइलेंसर बाहर आया है, टायर तो पूरा अंदर ही है। और पीछे देखो, सो भाई देखो पूरा पानी भरा हुआ है, गाड़ी बंद हो गई थी, अभी भैया लोगों ने हेल्प करके थोड़ी गाड़ी चालू करवाई है, तो अभी गाड़ी को थोड़ा कोल्ड स्टार्ट दे रहे हैं। नहीं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो गाइस इतना पानी भरा हुआ था, मेरे यहाँ तक था पानी, और गाड़ी पूरी यहाँ तक डूब गई थी, उसके साइलेंसर में पानी चला गया, बहुत मुश्किल से पानी निकाला, ये भाई लोगों ने हेल्प की, गाड़ी को पूरा ऐसा सीधा कर दिया, 6 फुट हाइट हो गई। और बड़ी मुश्किल से अभी थोड़ा स्टार्ट किया है, तो इंजन गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद फिर निकलते हैं कहीं और, आपको लेके चलते हैं, फिर कहीं फंसेंगे कोई फिर मदद कर देगा। तो सच में यार हमारे यहाँ पर बहुत हेल्पफुल बंदे हैं, किसी को भी फंसा हुआ देख नहीं सकते, बट अपने को लगता है कोई मदद नहीं करता, मदद सब करता। सो गाइस अभी यहाँ पे पूरा पानी भर गया, देख लो
हमारी गाड़ी बंद हो गई है। ये देखो गाड़ी अभी स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे ना कम से कम देख लो मेरे इतना इतना पानी भरा है। मैं 5'6" हूँ तो समझ लो कितना होगा, अप्रोक्स कितना 3 फीट या 4 फीट पानी भर, नहीं 3 फीट तक पानी भरा है वो बीच में, बीच तक। चलो चलते हैं। और हर एक गाड़ी यहाँ पे बंद हो रही है, सिर्फ जो लद्दाख अलग जाने वाली गाड़ी है ना, मतलब हिमालयन, ड्यूक 390 और बुलेट, वो सब बंद नहीं हो रही, बाकी ये सब तो भाई खत्म। स्प्लेंडर भी थोड़ा आगे जाके बंद हो गई। सो गाइस गाड़ी बंद और यहाँ पे मेरे दोस्त लोग मिल गए थे हेल्प करने को, तो अभी जा रहे गाड़ी को धक्का मारते मारते। चलो ब्लॉग बनाने जाएंगे, अपने में मस्ती बहुत है तो गाड़ी भी बंद करवा दी है। देखो गाड़ी पे थैली बांध के लेके जा रहे हम लोग भाई, इधर ज्यादा। ये देखो यहाँ पे ना, देखो कहाँ कहाँ तक घुटने घुटने तक पानी है। चलो सो गाइस बहुत थक गए, गाड़ी ने चलने का नाम निशान बंद कर दिया है, गाड़ी भी नहीं चल रही है। हम इसे धक्का मारते मारते लाए, अभी डॉक्टर के पास लेके जा रहे गाड़ी को, तो डॉक्टर थोड़ा इस पर इंजेक्शन मार के अंदर से इसकी सारी हवा निकालेंगे, मतलब पानी निकालेंगे। और भाई सनसिटी ना डूबे कभी ऐसा हो नहीं सकता है, पिछले साल डूबी थी, पिछले के पिछले साल नहीं डूबी थी बिकॉज तब पानी कम हुआ, बारिश कम हुई थी। देखो मेरा बम पूरा किल्ला हो गया। सो भाई सब खतरनाक काम करने में हमें मजा आता है और यही सब खतरनाक काम हम आप लोग के लिए करते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। मज़ा नहीं आता है, जानबूझ कर फंसा दिया इतने। चलो अभी तो अभी दोस्त के घर पे जाता हूँ, देखता हूँ उसके उधर कितना पानी भरा है। सो गाइस देखो यहाँ भी पानी भरा हुआ है और ग्राउंड फ्लोर में तो पानी गया होगा पक्का। और मैं आया हूँ वसीम भाई के पास, ये भाई इसको पानी निकाल के देंगे तब जाके कहीं स्टार्ट होगी। वीडियो भी बनाने आ पाते हो क्या? हर जगह पानी ही पानी। तो गाइस फाइनली गाड़ी का काम डन और थोड़ा पेट्रोल पेट्रोल निकला गाड़ी से। चलो अभी चलते हाँ, वही पानी पेट्रोल और वो देखो झगड़ा हो रहा है। चलो अभी चलते। तो भाई फाइनली गाड़ी सही हो गई और अभी हम लोग निकल गए, गाड़ी के पानी अंदर घुस गया था फाट में सब। देखो ये सब बिल्डिंग डूब डूब गया है, के टी विहार नहीं ये तो कम डूब है, बाकी इधर सब डूब गया। सो भाई यहाँ पे देखो पूरा घुटने घुटने तक पानी भर गया है, वही तो किधर जाएंगे। सो गाइस ये है वसई वन और वसई वन के इधर देखो कितना पानी भरा हुआ है, जो भी गाड़ी जाएगी वो सब बंद पड़ जा रही है। सो भाई यहाँ पे देखो पूरा कमर कमर तक पानी भर गया है, गाड़ी ना जा पा रही ना आ पा रही है, इधर भी भर गया है और इस तरफ में थोड़ा सा भरा है, आगे और भरा हुआ है। तो भाई यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाड़ियों का शोरूम बना हुआ है, देखो हर एक डिफरेंट टाइप की आपको गाड़ी, रिक्शा, टेम्पो वेम्पो सब मिलेगा। अरे हमारी बिल्डिंग है पानी भाई, बारिश है भाई, मत जाओ। हाँ गवर्नमेंट मर रही है, बोल रही है मत जाओ मत जाओ, फिर भी ऐसे लोग। ओ भाई देख लो भाई, तू मार खाया ना, ये दिखना चाहिए वीडियो में। बाय आप रे, गाड़ी देखो गाड़ी टेम्पो वेम्पो आपको भी भाई आगे जाके दिखा दे कितना पानी भरा है, कितना नहीं। जैसे भी वैसे भी हुए हैं पानी निकालने को यहाँ से, हाँ वही मतलब निकालने को ये चालू करेंगे। हाँ अभी मशीन चालू है ना। ओ भाई
पूरा डूब गया। जबरदस्त भाई, भाई यहाँ पे तो पानी भरी गया है पूरा। इधर एक बार गटर का हालत देख लो आप लोग, ये देखो गटर पूरा बाहर तक आ गए, पूरा उधर उधर सब डूब गया है। और देखो जहाँ दूर दूर तक नजर जा रही है पूरा डूब गया। और यहाँ पे ग्राउंड है जहाँ पेपी घूमने आती है, वो तो भाई पूरा गैला है। तो भाई यहाँ पे आने जाने वाले सबकी गाड़ी बंद हो रही है, हमारी गाड़ी भी बंद हुई थी बीच रास्ते में। गाड़ी की ज़्यादा तारीफ कर दो तो बंद हो जाती है। और देखो ट्रेन और आगे निकाल लो ना, आगे निकाल लो। ये लोग देखो ना बैठे मेरे साथ। तो भाई देखो आंटी की गाड़ी बंद हो गई है। आगे आगे निकाल के आगे लो थोड़ा, उतर जाओ उतर जाओ। और देखो कौन सी गाड़ी गई पता नहीं, धक्का मारो अभी, धक्का मारो दीदी। सो गाइस फाइनली घर पहुंच गए और दसी बच्चा है, लाइट है, पापा भी है, बहुत गाड़ी का थोड़ा कल्याण मस्तु हो गया। कल्याण मस्तु खर्चा हो गया। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left.